हेलो फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से जब हम सेल करते हैं दूसरी स्टेट के अंदर, यानी कि इंटर स्टेट सेल, जिसको हमारी ये जीएसटी एक्ट बोलती है, होती है, तो उस केस के अंदर हम कैसे सेल की एंट्रीज को डालते हैं जब हम टैक्सेबल गुड्स, चाहे अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं, चाहे हम टैक्सेबल यानी कि रेगुलर डीलर को सेल कर रहे हैं, चाहे हम कंपोजिट डीलर को या अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हैं, सेल करते हुए किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, आइए इसकी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपने अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाना है, लेजर क्रिएशन करनी है, और क्रिएट के अंदर जाके हम उनकी लेजर क्रिएशन करेंगे। तो आपको यहाँ पे इंटर स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी, यानी कि अगर हम 12% वाली गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम इंटर स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी अकाउंट ओपन करेंगे, और अगर हम 18% पे या 28% पे सेल कर रहे हैं, इंटर स्टेट सेल है, दूसरी स्टेट में सेल है, तो हम 18% या 28% या 5% का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये 12% का, और हम ये सेल अकाउंट के अंदर डालेंगे क्योंकि सेल है। इन्वेंट्री वैल्यू फैक्टेड यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने यस करना है, और क्लासिफिकेशन में अनडिफाइंड देंगे हम यहाँ पे, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर आपने सेलेक्ट करना है कि जो ये सेल हो रही है, ये जो सेल है इंटरस्टेट सेल है, तो हम यहाँ पे इंटरस्टेट सेल और ये टैक्सेबल गुड्स हम सेल कर रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स हम चार्ज करेंगे, इंटरस्टेट सेल है तो हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे, तो ये इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करना है जब आप दूसरी स्टेट में सेल करते हो टैक्सेबल गुड्स। और यहाँ पे आपने इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर यहाँ पे रेट डालना है, जितना रेट है, जिस रेट का आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है, अगर 12% का तो 12%, अगर 18% का या 28% का जो भी रेट होगा आप डाल दोगे, और अगर कोई ये स्पेशल टैक्स सीज लग रहा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये ज्यादातर जो लगेगा टैक्स वो लग्जरी गुड्स के ऊपर लगता है, तो फिलहाल हम इसको इग्नोर करेंगे, और ये हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे हम ये इंटरस्टेट सेल का अकाउंट बनाते हैं, और हमने टैक्स चार्ज करना है। हम साथ में आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट बनाएंगे, ये आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12% एक ही अकाउंट बनेगा, क्योंकि जब हम दूसरी स्टेट में सेल करते हैं तो हम ये आईजीएसटी चार्ज करते हैं, और ये 12% का हमने सेल अकाउंट बनाया था, तो 12% आईजीएसटी अकाउंट बनाएंगे। अगर 18% का आप बनाओगे सेल अकाउंट, तो 18% आप आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट बनाओगे, अंडर ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी आप जीएसटी सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आपने इंटरग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करना है। इंटरग्रेटेड का मतलब आपने टोटल टैक्स 12% पे करना है, और ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और फर्दर कोई इंफॉर्मेशन आपने इसमें वर्कआउट नहीं करनी, बस ऐसे ये हम आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद हम सेल की एंट्री डालेंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, और ये सेल की एंट्री आपने सेल वाउचर F8 प्रेस करके डालनी है, और यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिसको सेल कर रहे हैं, हम ये अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं पार्टी का, Alt C प्रेस करेंगे, और यहाँ पे मान लेते हैं हमने ये सेल जो की है ये करंट ट्रेडिंग कंपनी है कोई, जिसको हम ये सेल कर रहे हैं, उसका अकाउंट खोलेंगे, ये सन्ड्री डेटर के अंदर जाएगा, और ये मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है, और फर्दर डिटेल जो डालनी है आप डाल सकते हो। और मान लेते हैं हमारा बिजनेस पंजाब में है और हम सेल कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, यानी के दूसरी स्टेट के अंदर, ये करण को, और आपने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करना है, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है अगर आप रेगुलर डीलर को सेल कर रहे हो तो आपने रेगुलर सिलेक्ट करना है, कंज्यूमर को सेल कर रहे हो तो कंज्यूमर सिलेक्ट कर लेना है, कंपोजिशन या अनरजिस्टर को सेल कर रहे हो तो ये सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपने हरियाणा का पहले कोड डालना है, जो भी उसका कोड होगा, तो ये हम कोड डालेंगे यहाँ पे, फिलहाल मुझे कोड याद नहीं है, मैं बाद में यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, तो फिलहाल एक बार हम ऐसे ही यहाँ पे पूरा डाल देते हैं, तो एंड में यहाँ पे टैली अपने आप, अगर आप कोड भूल भी गए हो किसी स्टेट का तो टैली अपने आप यहाँ पे अभी जनरेट करेगी, बाकी आपने यहाँ पे डिटेल पूरी अच्छी तरह डाल देनी है। तो ये 15 करेक्टर का मैंने ये जीएसटीएन नंबर डाला, जैसे ही एंटर किया तो ये देखिए, जैसे मैंने कोड डाला पूरा सही तरीके से, सिर्फ 03 यानी कि स्टेट नहीं पता थी मुझे, मैंने पंजाब का 03 डाल दिया, तो ये नीचे मेरे को दिखा रहा है कि ये जो पंजाब हरियाणा का कोड है वो 06 है, तो हम यहाँ पे 06 एक बार दोबारा से ये उसका जीएसटीएन नंबर आपको पता है यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो ऐसे आपने ये जीएसटीएन नंबर यहाँ पे डाल देना है,
थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूं मैं इसको डालने में, थोड़ा सा इसको ठीक करके डाल देता हूं। तो यहाँ पे एक बार हम ये जीएसटीएन नंबर ठीक करके डाल देते हैं ताकि हमारा ये अकाउंट ठीक तरह से क्रिएट हो जाए। इसके बाद आपने एंट्री डालनी है, इसके बाद आप आगे कंटिन्यू रखोगे तो हरियाणा हमने यहाँ पे स्टेट अपनी सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद टाइप ऑफ डीलर के अंदर हम कहाँ पे जाएंगे ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ डीलर में आपने ये रेगुलर सिलेक्ट करना है। और रेगुलर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए हमने रेगुलर सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप रेगुलर सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपने सेल लेजर एंटर करना है। तो हम यहाँ पे अब सेल लेजर एंटर करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे सेल लेजर, अगर ये इंटरस्टेट सेल है, हमने 12% का अकाउंट बनाया था, तो जो भी जिस रेट पे हम सेल कर रहे हैं अगर 12% पे तो हम यहाँ पे 12%, अगर 18% पे सेल है तो हम यहाँ पे 18% सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमारी सेल जो है ये जो भी हम सेल कर रहे हैं अगर हमारी ये सेल 28% पे है तो हम 28% सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम 12% सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे जो भी आइटम हमने सेल की है, और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसको हमने ट्रैकिंग नंबर अभी यूज नहीं करना। यहाँ पे मेन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी जो भी हमारी क्वांटिटी होगी जितनी हमने सेल की है, यानी कि मान लेते हैं 5 पीसेस हमने सेल किए हैं, एक पीस 18,000 का, तो ऐसे हम ये सेल की एंट्री डालते हैं। और नीचे आकर हमने जितनी भी आइटम है, आइटम डालने के बाद पहले आप सारी आइटम डालिए, आइटम डालने के बाद आपने आउटपुट IGST, यानी कि हम 12% की सेल कर रहे हैं तो आपने आउटपुट IGST 12% चार्ज कर लेनी है। उसके बाद आपने ये एंट्री को सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हम सेल की एंट्री को डालते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम ये सेल की एंट्री को डालते हैं जब हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं, यानी कि रेगुलर डीलर को हम सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये एंट्री डालेंगे। और ऐसे ही जब हम सेल करते हैं तो आगे चलते हैं, अगर हमने मान लीजिए अब सेल की है, एक और पर्सन को सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं सुमित जर्नल, सुमित जर्नल स्टोर है जिसको हम सेल करने जा रहे हैं, सन्ड्री डेटर है ये, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल यस, फर्दर डिटेल आप डालिए। यहाँ पे हम केरला के अंदर मान लेते हैं दूसरी स्टेट में सेल कर रहे हैं, पंजाब से दूसरी स्टेट में गुड जा रही हैं, सेटल्ड जीएसटी डिटेल यस करेंगे। और यहाँ पे हम ये जो सेल कर रहे हैं मान लेते हैं कंपोजिशन डीलर को सेल कर रहे हैं, तो पहले हमने रेगुलर डीलर को की थी, अब हम कंपोजिशन डीलर को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे फिर उसका जीएसटीएन नंबर डालना है। तो यहाँ पे हम जीएसटीएन नंबर डालेंगे और ये केरला का कोड, ऊपर हम ये केरला का कोड जो है वो ठीक कर देते हैं 32। तो इस तरीके से आपने ये जीएसटीएन नंबर डाल के ये पार्टी का अकाउंट क्रिएट करना है। और यहाँ पे हमने ये सेल कंपोजिशन डीलर को की है, ये भी रजिस्टर होता है गवर्नमेंट जीएसटी एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम जो इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं वही केस हमारा कि अगर 12% पे है तो 12%, 18 है तो 18%, तो ये 12% हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये आइटम सेलेक्ट करेंगे जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है, तो मान लेते हैं 18,000 की क्वांटिटी, 8 10 आइटम्स 18,000 रेट पे हमने सेल की है। और नीचे हम यहाँ पे आउटपुट इससे भी IGST, क्योंकि ये दूसरी स्टेट में सेल हो रही है, IGST चार्ज करेंगे। तो आप सेल किसी को भी करो, चाहे रेगुलर को चाहे कंपोजिट को, तो हम इसी तरीके से टैक्स लगाते चले जाएंगे और ये पार्टी का अकाउंट अलग अलग केसेस के अंदर क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं हमने मोहन लाल को, अब ये एक सन्ड्री डेटर है जिसको हमने गुड्स बेची हैं, जो दूसरी स्टेट के अंदर रहता है, मान लेते हैं ये महाराष्ट्र के अंदर है और जो हमने इसको गुड्स बेची हैं ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो हम अनरजिस्टर को सेल कर रहे हैं, इसके पास कोई भी जीएसटीएन नंबर नहीं होगा। और यहाँ पे आप डिटेल इसकी फर्दर डाल सकते हैं, टाइप ऑफ डीलर आपने सेलेक्ट करना है नोट एप्लीकेबल, और ये इंटरस्टेट सेल 12% सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आइटम जो भी हमने ये आइटम इसको सेल की है, मान लेते हैं ये एप्पल आईफोन हमने सेल किया है, और इसकी यहाँ पे अब हम क्वांटिटी डालेंगे, 5 पीस हमने सेल किए हैं, रेट डाल देते हैं 12,000 का एक पीस, ये 60,000 की सेल की है, और इससे भी हम आउटपुट IGST चार्ज करेंगे 12%, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारा क्लियर है कि कैसे हम ये सेल की एंट्री डालते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने सेल की है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर का अकाउंट क्रिएट करके
पार्टी का अकाउंट क्रिएट करके आपने एंट्री को डाल देना है। और उसके बाद जब आप डिस्प्ले के अंदर जाके देखोगे, स्टैचरी रिपोर्ट के अंदर आप जाओगे, वहां पे जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी आर वन के अंदर आपको पता है सारी सेल डिटेल मिलती है। यहाँ पे ये जो बी टू बी इनवॉइस सेल है, फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे आपको कंपोजिट डीलर को जो आपने सेल की है, इंटरस्टेट सेल या रेगुलर डीलर को सेल की है, यानी कि जो रजिस्टर पर्सन होते हैं उनकी सेल आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए हमने करण को सेल की थी, ये हमें डेट और करण का नाम और जीएसटीएन नंबर और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और हमें इंटीग्रेटेड टैक्स दिखा रहा है 10,800। और ये सुमित जर्नल को जो कंपोजिट डीलर है उसको सेल की थी, यहाँ पे हमें उसकी डिटेल दिखा रहा है। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल की है, अब ये भी ध्यान से सुनिए, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हो या कंज्यूमर को सेल करते हो, उसकी सेल की डिटेल आपको ये सेवंथ पॉइंट के अंदर बी टू सी स्मॉल में मिलेगी। ये देख सकते हो हमने यहाँ पे जो डिटेल दिखाएगा वो स्टेट वाइज दिखाएगा, हमने महाराष्ट्र में सेल की है, अगर गुजरात में सेल की है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे हमें अलग अलग स्टेट वाइज दिखाएगा। जैसे ही आप स्टेट पे एंटर करोगे वहां पे आपको दिखाएगा कि ये जो हमने अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल की है दूसरी स्टेट के अंदर या कंज्यूमर को, वो आपको यहाँ पे उसकी टोटल डिटेल दिखाएगा कि अमाउंट मोहन लाल, उसका अकाउंट नंबर, सेल और जो अमाउंट है और उसका इंटीग्रेटेड टैक्स जो हमने उससे चार्ज किया है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो रह गया है सेल के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर, मान लीजिए हम सेल की एंट्री एक बार फिर डाल रहे हैं, हमने दूसरी स्टेट के अंदर किसी कंज्यूमर को गुड सेल की है या अनरजिस्टर्ड डीलर को, मान लेते हैं यहाँ पे हम कंज्यूमर क्रिएट करते हैं, शाम कंज्यूमर है, ये कोई शाम कंज्यूमर अकाउंट क्रिएट करेंगे सन्ड्री डेटर के अंदर, और ये दूसरी स्टेट के अंदर मान लेते हैं ये हमारा मणिपुर के अंदर हमारा ये कंज्यूमर है जो मणिपुर के अंदर बिजनेस करता है, वहां पे हम सेल कर रहे हैं, सेटल्ड जीएसटी डिटेल यस करेंगे, कंज्यूमर है ये मतलब बिजनेस नहीं करता, ये मान लेते हैं वहां पे इसका घर है जहाँ पे हमने गुड सप्लाई की है, ये कंज्यूमर है और वहां पे हम सेल कर रहे हैं, और ये टाइप ऑफ डीलर हम सिलेक्ट करेंगे नोट एप्लीकेबल, और इंटरस्टेट सेल हम 12% सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने सेल की है, और आइटम सिलेक्ट करेंगे एचपी कंप्यूटर, और यहाँ पे हम ये सेल की एंट्री डाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर मैं आपको एक नया पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये 180,000 की हमने इसको सेल की है, ये कंज्यूमर है, चाहे कंज्यूमर हो चाहे अनरजिस्टर्ड डीलर हो, और हमने इसे आउटपुट आईजीएसटी चार्ज की है 12%। यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी मेन लोकेशन के अंदर 10 की जगह हम 15 कर देते हैं कि हमने 15 क्वांटिटी सेल की है, 2,17,000 टोटल सेल, आउटपुट आईजीएसटी 12%, और हमने टोटल अमाउंट इससे लेनी है 3,24,000। इस अमाउंट को ध्यान से देखिए, हमने इसे 3,24,000 लेने हैं। तो हमारा ये जीएसटी एक्ट कहता है कि अगर हम दूसरी स्टेट के अंदर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को या कंज्यूमर को सेल करते हैं और उसकी सेल वैल्यू टोटल अमाउंट यानी के 2,50,000 से अबव है, तो ये लार्ज कस्टमर कहलाता है, और इसकी हमने पूरी डिटेल गवर्नमेंट को भेजनी होती है, यानी के हमें पूरी डिटेल भेजनी पड़ेगी, इसका नाम, इसका पूरा जो भी इसके बिल की डिटेल होगी, यानी कि पूरे बिल की डिटेल भेजेंगे। आप जीएसटीआर रिपोर्ट के अंदर देखोगे, जीएसटीआर 1 के अंदर, ये जो हम सेल कर रहे हैं जिनकी सेल 2,50,000 से अबव होगी दूसरी स्टेट के अंदर और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कंज्यूमर है, तो उसकी डिटेल हमें इस सिक्स्थ पॉइंट के अंदर दिखाएगा, बी टू सी लार्ज, यानी कि हमने उसके पूरे बिल की डिटेल गवर्नमेंट को भेजनी है। जो बाकी केस है, जो ये सेकंड केस है, अभी हमने स्टडी किया था, इससे पहले स्टडी किया था, जो हम सेल कर रहे थे दूसरी स्टेट के अंदर अनरजिस्टर्ड डीलर को या हम कंज्यूमर को, अगर सेल 2,50,000 से कम है तो हमें अपने पूरे कस्टमर की डिटेल गवर्नमेंट को नहीं भेजनी पड़ती, हम टोटल अमाउंट भेजते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर स्टेट वाइज कि महाराष्ट्र के अंदर हमने टोटल सेल कितनी की है, हमें कस्टमर का नाम नहीं बताना होता, हमने गवर्नमेंट को ये जीएसटी और वन के अंदर जो रिपोर्ट भेजते हैं इसकी पूरी डिटेल नहीं बतानी पड़ती कि हमारे कस्टमर का नाम क्या है, बिल नंबर क्या है, क्योंकि सेल हमने जो दूसरी स्टेट में की है कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड डीलर को, वो 2,50,000 से कम की है, लेकिन हम स्टेट के बेस पे
महाराष्ट्र में हमने मान लीजिए 10 लाख की सेल की है, उत्तर प्रदेश में 20 लाख की सेल की है, और मान लीजिए गुजरात में 10 लाख की सेल की है, तो टोटल सेल मैं बात कर रहा हूँ, टोटल सेल वो हम डिटेल गवर्नमेंट को देते हैं स्टेट वाइज, यानी के स्टेट वाइज हम डिटेल देते हैं इस 7th पॉइंट के हिसाब से। लेकिन लेकिन अगर हम बात करेंगे लार्ज कंज्यूमर की, लार्ज अनरजिस्टर्ड डीलर की, जो हम दूसरी स्टेट में सेल करते हैं, जिनको आप सेल यानी के हर बिल की सेल 2,50,000 से अबव है, जैसे अभी हमने एंट्री डाली थी, ये हमारा शाम कंज्यूमर जिसको हमने सेल, ये सेल बिल देख सकते हो 2,50,000 से अबव है, तो ये डिटेल हम इस 6th पॉइंट के अंदर डालेंगे और हमें इस जो कंज्यूमर है अनरजिस्टर्ड डीलर है इसकी पूरी डिटेल, पूरे बिल की डिटेल, बिल का नंबर, पार्टी का नाम और कितनी बिल की अमाउंट है, टैक्स कितना बना, ये सारी डिटेल गवर्नमेंट को भेजनी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना।